अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक हैं और रिएक्शन का सिलसिला जारी है। और आज हम जिस मूवी का रिएक्शन करने जा रहे हैं, मूवी के सीन का, बेसिकली वो है तेलुगु मूवी, लेकिन एक हिंदी मूवी है जो कि इसी का रीमेक थी। सलमान खान की एक फ़िल्म आई थी 2009 में, वांटेड। और इस फिल्म को मैं बहुत पसंद करता हूँ, इनफैक्ट मैंने बहुत बार देखी भी है। इसमें जो स्टोरी है, जो एक्शन है, जो एक्सप्रेशंस हैं, सब कुछ लाजवाब थे। कॉमेडी भी बीच में थी, वो भी बहुत मज़े की थी। तो मुझे कुछ आप लोगों ने बताया कि पोकिरी मूवी है महेश बाबू की, जिसका कि रीमेक है, और मैं बड़ा उस टाइम मतलब चौंका था कि मुझे नहीं पता था इस बारे में। तो 2006 की मूवी है महेश बाबू, जिसमें हीरो हैं इलियाना डिक्रूज, हीरोइन है, और पोकिरी इसका नाम है। पोकिरी अब पता नहीं तेलुगु में है, तो इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो शायद ये भी वांटेड ही बनता हो, या आप लोग बेहतर बता सकते हैं। तो इसका एक सीन है जो मेरा बड़ा पसंदीदा है, एक ट्रेन में जब वो जा रहे होते हैं जानवी और उसका भाई छोटा, और गुंडे आ जाते हैं, और सलमान खान को फ़ोन कैसे मिलाता है, सलमान खान कैसे वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वो सीन तो मैंने देखा हुआ है। अब इसमें महेश बाबू की क्या एक्सप्रेशन होंगे और किस तरह से ये सीन फिल्माया गया, ये मैं देखना चाह रहा हूँ। और सबसे पहले हम एक कंपेरिज़न इसका मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा कि सलमान खान वाले सीन का और थोड़ा सा ये वाले सीन का, ताकि आपकी भी वो जो है ना कि याद दहानी हो जाए कि हाँ दोनों फिल्म्स कैसी हैं। और बाद में फिर हम एक कंपैरिजन, एक बातचीत करेंगे कि दोनों में से किसका ज़्यादा बेहतर लगा है मुझे। तो इसको हम देख लेते हैं। और कॉपीराइट की वजह से जो ये सीन है, पूरा सीन आपको विमियो पर देखने को मिलेगा। देखते सार पहला लिंक है डिस्क्रिप्शन में, देख के वापस आएंगे तो आपको यहाँ पर मेरा जो रिव्यू है मैं वो दूंगा, और हम इस पर बातचीत भी करने वाले हैं कि हमें कैसा लगा ये सीन और किसने ज़्यादा बेहतर किया, सलमान खान ने या महेश बाबू ने। तो आइए इसको पहले देख लेते हैं, देखने के बाद बातचीत करेंगे। अच्छा, सेम टू सेम। ओके जी, परफेक्ट। अच्छा तो सेम टू सेम, सेम टू सेम, एक एक सीन टू सीन, सीन बाय सीन वही चीज़ है। सिर्फ मैं आपको फ़र्क बताऊं कि महेश बाबू के एक्सप्रेशन से मैं बहुत इम्प्रेस हूं, और फ़र्क सिर्फ मुझे इतना लगा है कि मैं डायरेक्टर इसके पूरी जगन्नाथ हैं, और उसके प्रभु देवा हैं, और प्रभु देवा की फिल्म्स का मैं बहुत बड़ा उनकी डायरेक्शन का फ़ैन हूँ, और वो डायरेक्शन भी बहुत अच्छी, ये डायरेक्शन भी बहुत अच्छी। कहते हैं ना, नकल के लिए भी अक्ल चाहिए, तो वो उन्होंने बखूबी किया है, और सलमान खान ने बहुत बेहतरीन उसमें परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन महेश बाबू को देखते हुए, ये 3 साल पहले वो फिल्म बनी है, और 3 साल में टेक्नोलॉजी कहाँ जाती है, और कैमरा वर्क उसमें बेहतर है, लेकिन इसका भी बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत पावरफुल था। महेश बाबू के एक्सप्रेशंस, वो गुस्से वाले एक्सप्रेशंस, वो बहुत अच्छे मुझे लगे। और जिस तरह वो फ़ोन बच्चे ने बड़ा अच्छा काम किया है। इलियाना तो बॉलीवुड में भी हम उनको देखते हैं, उनकी तो एक्टिंग ऑलरेडी कमाल की है। तो ओवरऑल मैं बड़ा ही इम्प्रेस हुआ हूँ। लेकिन सेम टू सेम वही सीन था, और मतलब है कि सेम टू सेम, कुछ भी डिफरेंट नहीं, उसी तरह वही घसीट के लाना, उसी तरह वो बाहर उसको फेंकना, तो वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। लेकिन महेश बाबू नो डाउट बहुत टैलेंटेड हैं, और बहुत ही एक बेहतरीन किस्म के हीरो हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस मूवी के मैं और सीन्स देखूं तो मुझे बताइएगा, या महेश बाबू के और किन किन सीन्स या सॉन्ग्स में मैं रिएक्शन करूं, तो ज़रूर मुझे रिक्वेस्ट करते रहिए, सब पूरी करूंगा। रिएक्शन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी कोई हमारी लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एक बात मुझे बताएं कि आपको वांटेड ज़्यादा अच्छी लगी या पोकिरी, ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगली बार तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।